our hearts beat to the city streets. We begin to feel the fire. We rise like tall buildings. Assalamu alaikum, kaise hain aap sab? I hope aap sab theek honge, khush honge aur apne gharon mein khairiyat se honge. To ji aaj ka long video, meri bahut time baad meri aaj long video aayi hai. I hope ki aap sabko meri video bahut pasand aayegi, achhi lagi thi. Aaj maine kaafi time ke baad video upload ki hai long video ke, ki aajkal main shorts par thi, kaafi shorts trending mein the, to maine socha ki chalein ji thodi si susti kar lete hain aur shorts bana lete hain. Bas ji phir aaj mera dil kar raha tha ki bas aaj na mujhe long video banani hi banani hai. और आज माशाल्लाह से दिन ही ऐसा था. सॉरी, ये वीडियो जब अपलोड होगी तो हो सकता है कि 3-4 दिन हो जाएं लेट, लेकिन जी ये वीडियो है 12 रबी अव्वल की. माशाल्लाह से ये 12 रबी अव्वल का दिन है और जी इस दिन हो रही हैं सारी सेलिब्रेशंस, जैसे कि हर मुसलमान सेलिब्रेट कर रहा होता है 12 रबी अव्वल. चले जी, माशाल्लाह इस मुबारक दिन पर मिश्कात ने आपको नात भी सुना ली. तो जी यहाँ पर सिस्टर ने खीर बना ली थी, ऑलमोस्ट खीर रेडी थी, तो यहाँ पर मैंने सारी खीर डिस्ट्रीब्यूट की और ठंडी करने के लिए फ्रिज में रख दी. बस खीर यहाँ पर रेडी थी और मैंने जस्ट इसको थोड़े से पिस्ता और बादाम इसके ऊपर स्प्रिंकल किए और बस मैंने फ्रिज में रख दिया था ठंडा होने के लिए, क्योंकि सुबह न्याज भी थी तो बस हमें उसे भी देखना था. फिर माशाल्लाह से ये दिन हर मुसलमान के घर सेलिब्रेट होता है, हर मुसलमान के घर इस दिन को बखूबी निभाया जाता है और दिल से इस दिन को न्याज करके और घर सजा कर हर कोई अपना घर सजा रहा होता है. माशाल्लाह से हमने भी अपना घर सजाया था और माशाल्लाह से हमने न्याज भी की थी. तो बस यहाँ पर खीर रेडी थी और जी बस अब इन डिस्पोजेबल जो बॉक्स थे मुझे ये पैक करने थे और मिश्कात मुझे बारी बारी देती जा रही थी और मैंने सारे ये पैक करती जा रही थी. बस खीर मैंने यहाँ पर सारी पैक कर दी थी, इनको मैंने फ्रिज में रख दिया था और आज रात हमने रोज़ा भी रखना था. बस यही टेंशन होती है भाई हमें कि गैस होगी कि नहीं होगी. बस जी अल्हम्दुलिल्लाह ये था कि गैस थी और हमने रोज़ा भी रखा और बस रोज़े के टाइम में सहरी के टाइम जो है ना वो क्लिप रिकॉर्ड नहीं कर सकी आप सबके लिए, क्योंकि उस टाइम मैं खुद नींद में थी. तो बस फिर सुबह बहारा भी जुआ की माशाल्लाह से सुबह सादिक के वक्त जिस टाइम आका अलैहिस्सलाम की विलादत हुई थी उस टाइम भी हमने इन्जॉय किया, उस टाइम को भी हमने गुजारा इबादत में. तो बस जितनी भी इबादत करें, बताने का मकसद ये नहीं है कि मैं आपको बता रही हूँ, बताने का मकसद ये है कि इस दिन को आप भी इसी तरह इन्जॉय किया करें, सुबह बहारा तक जागा करें, रोज़ा रखा करें और उसके बाद सारी बरकतें लूटा करें. और बस सारी बरकतें लूटने के बाद जी हम सो गए थे, रोज़ा वोज़ा रखने के बाद मुझे नींद आ गई थी और फिर जहर के टाइम में उठी थी क्योंकि बच्चों कभी स्कूल नहीं था, तो फिर मज़े से जो नाम ने नींद की. बस जी यहाँ पर मैंने खीर ठंडी होने के लिए फ्रिज में रख दी है, ये ठंडी हो जाएगी और फिर सुबह हमें और भी बहुत सारे काम थे. यहाँ पर मैंने किचन को भी अच्छे से वाइंड अप कर लिया था, बस किचन मैंने सारा क्लीन करके और बंद कर दिया था. सुबह के टाइम का ये मंजर है, मैंने जल्दी से बच्चों के कपड़े निकाले, मैंने बच्चों के न्यू सूट्स निकाले थे क्योंकि जाहिर सी बात है आज सब ने बहुत अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे कपड़े पहने हैं भाई. तो जी यहाँ पर बच्चों ने ये कपड़े सेलेक्ट किए तो मैंने इनके ये सूट्स निकाले. इनको फ्रेश करने के बाद मैंने यहाँ पर जल्दी से बेडशीट्स चेंज की, ये देखें जी मेरा मैजिक. बस जी मैंने मेरे बेड की और बच्चों के बेड की जल्दी से बेडशीट चेंज की क्योंकि इसके बाद मुझे खुद भी फ्रेश होना था और मैंने जल्दी से जो है ना वो न्याज को भी डिस्ट्रीब्यूट करना था. इवन अता डिस्ट्रीब्यूट करते हैं लेकिन साथ साथ अता की हम हेल्प कर रहे होते हैं. यहाँ पर बच्चे जो है वो जश्न मिलादुन्नबी मना रहे थे फ्रेश होने के बाद और जी मैंने बेडशीट्स वगैरह बिछा दी थी. फिर मैं भी यहाँ पर रेडी हो गई और फिर चली गई नीचे देख को देखने की भाई देखें न्याज
प्याज आ चुका है, तब उसे जो है जल्दी से बांट लेते हैं। यहाँ पर मैं नीचे आई तो सबसे पहले बच्चों को भूख लगी थी, तो हमारा तो रोज़ा था, लेकिन अत्ता ने बच्चों को जल्दी से खाना निकाल कर दिया। यहाँ पर बच्चे खा रहे थे मज़े से, और जी आज पुलाव बहुत टेस्टी था और बहुत ही लाइट सा था, लेकिन बहुत ही ज़्यादा टेस्टी था। बस ये सारे कुछ पैक हो चुके थे और कुछ आहिस्ता आहिस्ता अत्ता पैक करते जा रहे थे। यहाँ पर जो हमने खीर बनाई थी वो भी सारी मैंने निकाली थी फ्रिज से। बस यहाँ से फ्री होकर मैंने पढ़ ली जल्दी से ज़ोहर की नमाज। इफ्तारी के लिए अत्ता बाहर से ये समोसे लेकर आए थे, और जी ये छोला चाट थी अत्ता बाहर से लेकर आए थे, ये सैंडविचेस थे ये मैंने बनाए थे। बस अब इसको मैं तवे पर जो है वो रोस्ट करूँगी जब रोज़ा खुलेगा। बस यहाँ पर रोज़ा खुलने का टाइम हो चुका था और मैंने सारी चीज़ें निकाल कर रख दी थी। यहाँ पर हम सब ने मिलकर रोज़ा खोला जल्दी से, और फिर जो है रोज़ा खुलने के बाद हमने चाय पी, मगरिब की नमाज पढ़ी। और आई होप आज का ब्लॉग आपको अच्छा लगा होगा, आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर ब्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माई चैनल, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन ऑन करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। बहुत सारी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।